हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास एलेवेंथ पोएम नंबर फाइव के क्वेश्चन आंसर करेंगे पोएम है फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स तो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं प्रोडिगल वेस्टफुल अप ग्रीफ Sorrow Sok Yaduk Empty Blank Kali. Question number one Does the poem talk of an exclusively personal experience or it is fairly universal? Answer The poem does talk of an exclusive personal experience however we can also call it fairly universal because conflict like this quite common is many households it is also known as generation gap where parents are protective towards their children and चिल्ड्रन फाइंड देयर वेल्यूज टू ओवर वीअरिंग क्वेश्चन है क्या कविता विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है या यह काफी सार, सार्व सार्वभौमिक है आंसर है कविता एक विशेष व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है हालांकि हम इसे काफ़ी सार्वभौमिक भी कह सकते हैं क्योंकि कई घरों में हर तरह का संघर्ष काफ़ी आम है इसे जेनरेशन गैप के रूप में भी जाना जाता है जहां माता पिता अपने बच्चों के प्रति सुरक्षात्मक होते हैं और बच्चे उनके मूल्यों का मूल्यों को खुद पर थोपा हुआ मानते हैं Question number 2 how is the father's helplessness brought out in the poem kavita mein pita ki lajari ko answer the helplessness of the father is highlighted through the depiction of the emotional struggle that he undergoes he is aware of the problem and is willing to resolve it but is unable to do so ही रिग्रेट्स द लैक ऑफ अस्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ हिस सन हुज एलियनेटेड विथ हिम एंड विशेष टू स्टार्ट अ फ्रेस एंड रिब्यूल्ट देर रिलेशनशिप पिता की असहायता उस भावनात्मक संघर्ष के चित्रण के माध्यम से उजागर किया गया है जो वह करता है वह समस्या से अवगत है और उसे हल करने के लिए तैयार है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है वह एक मजबूत भावनात्मक बंधन की कमी और अपने बेटे के साथ उचित संवाद न होने का पश्चाताप करता है जो उससे अलग हो गया था और अपने संबंधों को नए सिरे से, से शुरू करने और फिर से बनाने की इच्छा रखता है फिर से बनाने की इच्छा रखता है क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द फ्रेश और लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन उन वाक्यांशों या पंक्तियों को पहचाने जो पिता और पुत्र के बीच की दूरी को दर्शाती हैं आंसर द फ्रेसेज लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड सन आर फर्स्ट आई डोट नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड सेकेंड वी स्पीक लाइक स्टेंजर्स थर्ड देयर इज देअर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर फोर्थ साइलेंस अस. फिफ्थ, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वी पुट आउट एन एम्पटी हैंड पिता और पुत्र के बीच की दूरी को दर्शाने वाले वाक्यांश रेखाएं. पहला है मैं इस बच्चे को नहीं समझता दूसरा हम अजनबियों की तरह बात करते हैं तीसरा हवा में समझ का कोई सं, संकेत नहीं है चौथा मौन हमें घेर लेता है पांचवा वह बोलता है मैं समझ नहीं पाता छठवा हम प्रत्येक के हाथ खाली रह जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर डज द पोयम है कंसिस्टेंट स्कीम क्या कविता में एक तुकबंदी योजना है आंसर यस द पोएम फॉलोज अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम कॉल्ड ए बी बी ए बी ए हाँ कविता आ पा बा, पा बा, बा, आ, बा, आ नामक एक सुसंगत तुकबंदी योजना का अनुसरण करती है